हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस बाय एमके में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन जीव विज्ञान के। जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है अभी तक और जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। केवल वो इतना ही पढ़ ले, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो क्वेश्चन कर सकेंगे आराम से। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको कम समय में करना है। आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो 20-21 मिनट देने में आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप आराम से इस वीडियो को देख के, इसको याद करके आराम से इतने क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आप अच्छे नंबर ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया किसने किया था? लैमार्क वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु हैं। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता लीनियस को कहा जाता है, ये तीनों हैं साइंटिस्ट। ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है कई बार, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जीवन होगा यहाँ पे, जीव की जगह पे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को बोला जाता है और कोशिका का अध्ययन काइटोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक है वो कोशिका की बेस पे है, सबसे लंबी कोशिका या सबसे बड़ी या सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाती है कभी कभार, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो मांसपेशी बेस है, मांसपेशी पूछ लेते हैं सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, कभी कभार सबसे छोटी ही पूछ लेते हैं इसलिए ये दे रखा है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला को ये नेक्स्ट पेज में देखिए, क्वेश्चन दे रखा है जो 13 से लेकर 16 तक है, ये हड्डियों से रिलेटेड है। सबसे बड़ी हड्डी कई बार पूछा गया है, सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसे याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ की हड्डी जिसका नाम फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी जिसे हम स्टेप्स बोलते हैं। अस्थि से अस्थि जोड़ को हम लिंगामेंट बोलते हैं और मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को टेंडम बोलते हैं, और ये सबको पता है कि हड्डी की संख्या 206 है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ग्रंथि, कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया है, मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं उनमें पूछ चुके हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे अग्नाशय बोलते हैं, इंग्लिश में पैनक्रियास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, और कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। फिर ये नोट में आपको दे रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है और कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इसमें डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म दी गई है जो बहुत ज़रूरी है। डीएनए का मतलब होता है डीएक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म। फिर इसके बाद देखिए, अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल हैं, कई बार पूछा गया है। और गुणसूत्र की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में होते हैं 23 जोड़े मतलब 46, उसके अलावा मच्छर में होते 3 जोड़ी मतलब 6। इसमें मानव का गुणसूत्र सभी को पता है मैक्सिमम कि 46 होता है, इसमें केवल वो गुणसूत्र दे रखे हैं जो कि पूछ सकते हैं। बंदर की पूछ लेते हैं कई बार, चिंपैंजी की पूछ लेते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं या 24 जोड़ी होते हैं, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट गुणसूत्र दे रखे हैं बस। और इसमें 25 में दे रखा है कि एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़का बनेगा, और केवल एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की बनेगा। इसका ट्रिक यह है कि लड़का जैसे उद्यमी होता है ज़्यादा और लड़की शांत होती है, तो जब उद्यमी लोग होंगे एक्स वाई मिलेगा तब उद्यमी बनेगा, और केवल एक्स एक्स मतलब सेम चीज़ें रहेंगी तो वो उद्यमी नहीं होंगे। तो इस तरह से ये एक ट्रिक सी है कि एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का होगा, और एक्स एक्स मिलेंगे मतलब शांत होगी तो लड़की होगी। इसमें ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, RBC WBC और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, इसे आप ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए हैं। इसमें ये देखिए पॉइंट नंबर 1 है, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते, केवल WBC में केंद्रक होते हैं। और RBC के अपवाद हैं ऊँट या लामा में
केंद्रक पाया जाता है और बाकी किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये अपवाद है आरबीसी में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आरबीसी को हम लाल रक्त कणिका बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिम्बाणु बोलते हैं। तीसरा है पॉइंट हमारा, जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा या बोन मारो बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें निर्माण होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है हमारा अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत यानी लीवर और प्लीहा में भी। और जो ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो लीवर या प्लीहा में होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स देखिए इधर, उसकी मृत्यु जो होती है वो केवल प्लीहा में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। कई बार जीवन काल पूछ लिया गया है कि आरबीसी कितने का जीवन काल क्या होता है, तो आरबीसी का 20 से 120 दिन जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और ब्लड प्लेटलेट्स का 3 से 5 दिन। इसमें नोट में दे रखा है हमारा कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा प्लीहा में ही होता है। भ्रूण अवस्था मतलब जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तब उनका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत या प्लीहा में ही होता है, और वैसे अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है। तो ये निर्माण, मृत्यु और जीवन काल प्लीज़ इसे ज़रूर याद कर ली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से पूछा जा सकता है। इसलिए ये देखिए, ये मैंने उसकी फ़ोटो खींच के भेज दी है अपनी बुक की, अंडरलाइन भी कर रखा है जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। इसमें देखिए लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये लिखा हुआ है, और जो हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसके कारण लाल रंग होता है रक्त का, और जो ग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर कराता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पेज है, इसमें ये दिखा रखा है, देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें केवल ये याद रखिए, सेकेंड पॉइंट है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया रक्त छीणता रोग हो जाता है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस यही याद रखिए और कुछ नहीं देखना इसमें, जो ये देख सकते हैं हेमोसाइटोमीटर बस। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की भी मैंने फ़ोटो खींच के दे दी अपने बुक की, इसमें से आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए आप, ये रक्त बिम्बाणु या ब्लड प्लेटलेट्स की भी फ़ोटो खींची है मैंने, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का है, मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है, जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था उसमें मैंने आपको सब बता दिया था, एक बार देख लीजिए, नोट इधर इसका देख लीजिए एक बार। डेंगू ज्वार जो होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए होता है। इसके बाद देखिए, ये रक्त समूह की खोज जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, सर्पदाता जो ग्रुप है जो सबको खून देता है वो O- है, O- यानी लिखा है ये O- है, और सर्पग्राही है जो सबका रक्त ले सकता है वो AB+, ये आप याद रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। परिसंचरण मतलब किस तरह सर्कुलेट होता है, पहले कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है, हृदय में जाता है, हृदय के कौन से ब्लॉक में जाता है, ये सब इसकी खोज जो की है विलियम हार्वे ने की है। तो इसके बाद देखिए, हृदय शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाता है उसे वेन या सिरा बोलते हैं, और इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा। इसका एक और जो हृदय से शरीर की ओर जाती है रक्त ले जाती है वो धमनी है, इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। इसका एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक देख लीजिए कि धाशय में धड़कन याद रखना है, धड़कन तभी चलेगी जब उसमें शुद्ध रक्त होगा, तो ये याद रखना है कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, हृदय से शरीर की ओर जाती है, और जो सिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, वो शरीर से हृदय की ओर जाती है, जब हृदय तक अशुद्ध रक्त आएगा तब वो शुद्ध करके धमनी द्वारा भेज देता है। और इसमें अपवाद का मतलब यह है कि जैसे धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन अपवाद का मतलब यह है इस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और ऊपर वाले में पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होता है, ये अपवाद है। और रक्तदाब कितना होता है नॉर्मली 120/80 mmHg, ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है, 120 ऊपर और 80 नीचे। रक्त मापने का यंत्र होता है सिफगमो मैनोमीटर, ये आपने नॉर्मली देखा होगा ब्लड प्रेशर जो नापते हैं हवा से भरते हैं पंप से और बाजू पे जो लगाते हैं वो है
इसके बाद ये पॉइंट नंबर 32 देख लीजिए, मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम, हृदय का 300 ग्राम और किडनी का होता है या ब्रक का होता है 140 ग्राम। इसका ट्रिक यह है, सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क होता है तो सबसे ऊपर है तो सबसे ऊंचा वेट होगा 1400 ग्राम। इसके बाद हृदय आता है बीच में तो इसका थोड़ा कम हुआ 300 ग्राम और उसके नीचे आती है किडनी तो उसका 140 ग्राम। यह एक तरह से सिक्वेंस याद रखने का, कभी कभार भूल जाते हैं इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए हड्डियाँ कितनी होती हैं मानव शरीर में, 206 कुल हड्डियाँ होती है। ये सिर की, सिर में कितनी हड्डियाँ होती है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, इसलिए मैंने सिर वाला इसमें दे रखा है आपको। 29 टोटल होती है, 8 होती है खोपड़ी में, 14 हड्डियाँ होती है चेहरे पे। चेहरे वाले मेरा एग्ज़ाम में आया था एक एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसमें चेहरा भी दे रखा है। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती हैं और जो एक हड्डी और होती है वो हायर्ड नाम की हड्डी होती है, वो खोपड़ी में ही होती है। टोटल हो गई 29 हड्डियाँ जो थोड़े जो पूरे सिर में होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 34 है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है 1:2:1 में। प्रोटीन की खोज किसने की, जे वर्जिलियन ने, और विटामिन की खोज फंक ने की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसमें दे रखा है। और ये जल में घुलनशील, जल में घुलनशील है बी और सी विटामिन, और वसा में घुलनशील है उसके अलावा जो बच्चे हमारे ए डी ई तथा के। इसके ट्रिक ये है, जल होता है पतला सा और वसा होता है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, तो पतले लोग हैं तो कम विटामिन होंगे उसमें, जो वसा होता है चर्बी होती है उसमें तो उसमें ज़्यादा होंगे। इस तरह से हमें याद रख सकते हैं आराम से, जल में जल पतला सा होता है तो बी सी दो ही विटामिन रह गए, और वसा मोटा सा होता है उसमें, इसलिए 4 ए डी ई और के विटामिन हो गए। और अगला पॉइंट है B12 में कौन सा, B12 विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है B12 विटामिन में। पॉइंट नंबर 37 है वर्धनता रोग, ये जो रोग होता है इसमें है ना लाल और हरा रंग पहचानने में परेशानी होती है, और ये रोग जो है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है और स्त्रियों में तभी होगा जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होंगे, तभी स्त्रियों में होता है, वरना ये पुरुषों में ज़्यादा रोग होता है, ज़्यादातर देखा गया है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 38 हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें जो रक्त का थक्का बनता है, जैसे चोट लग जाती है कभी कभार तो नॉर्मली 2 से 4 मिनट में थक्का बन जाता है, और ये अगर रोग हो गया तो आधे घंटे से लेकर 24 घंटा लग जाता है उसका थक्का नहीं बन पाता। इसका माना जाता है कि इसका प्रारंभ जो हुआ रानी विक्टोरिया के द्वारा हुआ है, और मुख्यतः ये पुरुषों में ही होता है और स्त्रियों में तभी होगा जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होंगे तब। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 39, ये एलिसा टेस्ट कई बार पूछा गया है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की जांच करने के लिए होता है। AZT औषधि जो दी जाती है एड्स की रोगी को दी जाती है, और एड्स की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई और ये सबको पता है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद पॉइंट नंबर 40 है, BCG का टीका किस लिए दिया जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है TB या क्षय रोग जिसे बोलते हैं, इसके लिए BCG का टीका दिया जाता है, और DPT ये टीका दिया जाता है डिप्थीरिया काली खांसी तथा टिटनेस के लिए, ये DPT का टीका दिया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टीके थे इसलिए मैंने इसमें लिख के दिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ट्रिक्स दे रखा है इसमें कुछ, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं इन्हें एक बार देखिए। इसमें देखिए ये ट्रिक दे रखी है केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स के केमिकल नेम की ट्रिक दे रखी है। ट्रिक है रात एक ट्रॉफी, तो इससे आप वीडियो पोस्ट करिए और इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में और आसानी से आप याद रख सकते हैं उसके केमिकल नेम, इजीली याद रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद देखिए ये विटामिन बी में भी 8 तरह के विटामिन होते हैं, उसके ये शॉर्टकट है थियोरा न्यू पेंट पर बसा, इसको भी आप वीडियो पोस्ट करके ये देखिए सबका दे रखा है, इजीली याद रख सकते हैं। इसे अगर याद रखना है तो रख लीजिए, लेकिन अगर से याद नहीं रख रहे तो जो इससे पहले वाला जो था उसमें ABCD सबका दे रखा था उसे ज़रूर याद कर लीजिए आप, वो इम्पोर्टेंट है। और तो इसे नहीं रखना चाहते तो इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसे एक बार ज़रूर इस ट्रिक को देख लीजिए। इसके बाद देखिए विषाणु का दे रखा है शॉर्टकट रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, वीडियो पोस्ट कीजिए, ट्रिक लिखिए, याद कीजिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे आराम से हमेशा के लिए याद रहेगा। ये ट्रिक मैं आपके लिए ही लाया हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। विषाणु कई बार पूछा गया है कौन सा रोग विषाणु से होता है कौन सा जीवाणु से, इसलिए ये ट्रिक याद रखिए। इसके बाद देखिए ये जीवाणु की ट्रिक लाया हूँ,
टिकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। वीडियो पॉज कीजिए, ट्रिक लिखिए और एक आध बार रिवाइज कीजिए, ईजिली याद रहेगा। प्लीज़ ज़रूर ये याद रखिए। इसके बाद देखिए, ये इस वाले में परजीवी द्वारा जो रोग फैलते हैं वो भी दे रखे हैं, पांच रोग फैलते हैं। ये पांचों आप ऐसे ही एक आध बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। मलेरिया ज़्यादातर पूछा जा चुका है। और इसमें ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। तो रोनाल्ड रॉस ने ये मलेरिया के बारे में बताया, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जीव विज्ञान में। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें कुछ दे रखे थे जीव विज्ञान की सिलेबस में, तो वो मैंने आपको फ़ोटो खींच के भेज दिए, इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसका पूरा याद मत रखिए, फ्रंट फ्रंट का याद रख लीजिए आगे आगे का, क्योंकि टिक ही लगाना है, आप आगे का याद रखे टिक लगा सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये देखिए, कुछ जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ, ये शाखाएँ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से शुरू के 3 और लास्ट का 1 छोड़ सकते हो, लेकिन इसके बीच में जो हैं ये बहुत ज़रूरी है। कई बार पूछा जाता है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथियोलॉजी, ये सब पूछा जाता है, इसलिए एक बार इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो इसके बाद वाले में देखते हैं, जड़ कई बार पूछी जाती है, गाजर क्या है, आलू क्या है, प्याज क्या है, जड़ है या तना। तो ये देखिए ऊपर दे रखा है जड़ क्या क्या है, ये 4 चीज़ें आराम से याद रखेंगे। इसके बाद दे रखा है तना क्या है, तने का भी दे रखा है, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब तना है। और पत्ती हरे रंग जो होता है उसमें क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए एक बार। इस वाले में हम ये प्रभावित अंग भी देख लीजिए, जीवाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं वो कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए आप इसे पूरा नहीं याद रख सकते। तो जिस पे मैंने टिक लगाया है वो याद रख लीजिए, लास्ट के 3 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो बचे कुछ हुए हैं ये इन्हें बहुत ज़रूरी है, इन्हें एक आध बार याद पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से याद रख सकते हैं, और ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो खींच के भेजी। विषाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं वो किन अंगों को प्रभावित करते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने फ़ोटो खींची है, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, जिस पे मैंने टिक लगाया है उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा। एक आध दिन पढ़ के अगर कुछ नंबर मिल जा रहे तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ एक बार इसे याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। और फिर इसमें ये विटामिन या आविष्कार और किसने आविष्कार किया था वो भी दे रखा है, जिस पॉइंट पे टिक लगा रहा है वो वाला आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वाले पे टिक लगा रहा हूँ, बाकी तो छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आविष्कार और उसके आविष्कारक पूछे जाते हैं और बहुत पूछा भी जाएगा इस बार ग्रुप डी में, इसलिए जो केवल टिक लगे हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, 1-2-3 बार रिवाइज कीजिए, याद रहेगा। इसके बाद देखिए अगला जो पेज है उसमें भी अगला पॉइंट दे रखा है, आविष्कार आविष्कारक वाला, इसमें भी जो जो टिक लगा रखे हैं उन्हीं को याद करिए, कोई फालतू याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, मैं जो ज़रूरी होता है उतना ही पढ़ता हूँ बस, इसलिए आपके लिए इस तरह के नोट्स लेके आया हूँ, ताकि 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा इस पूरे को अच्छी तरह से याद करने में। तो जो टिक लगे उन्हें याद करिए और याद रखिए और नंबर लीजिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है, पॉइंट नंबर 1, 2, 4, 5, और ये भी दे सकते हैं पॉइंट नंबर 10, ये पॉइंट याद कर लेना बस, उसके अलावा कुछ और नहीं देखना है। दांतों का एनामल जो होता है सबसे मजबूत होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, गुर्दे का भार 140 ग्राम होता है। जिस पे टिक लगा रहा हूँ बस वही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, कुछ फालतू कुछ नहीं देखना है। इसके बाद ये देखिए, ये आया हमारा ज़रूरी पॉइंट, ये रॉबर्ट कोच ने कालरा जिसे हेजा बोलते हैं और टीबी दोनों की खोज की थी, लुइस पाश्चर ने रेबीज का टीका और दूध का पाश्चरीकरण की खोज की थी, और डीपीटी का टीका जो लगता है वो डिप्थीरिया
काली खांसी और टिटनेस के लिए लगता है। ये आप डीपीटी वाला याद रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसे याद रख लेना। और इसके बाद जो हम देखेंगे, ये देखिए, इसके बाद देखिए यकृत का लीप पॉइंट दे दिया है मैंने, ये यकृत से पूछा जाता है, इसलिए इसका ये याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वजन इतने के 1.5 से 2 केजी के बीच में होता है। पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है, विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। जो भी ऐसे दोस्त हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, तो इस वीडियो को एक बार देख लें, याद कर लें। या जिनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें। मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जीव विज्ञान के, वो मैंने इसमें दे दिए हैं। इसके बाद मैं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की भी वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ फ्रेंड।